नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग ध्यान की एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल विधि शेयर करेंगे। इसको करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, फिलहाल हम लोग शरीर की तरह जीते हैं, हम शरीर हैं नहीं लेकिन जीते हैं, तो हम लोगों को इस शरीर के रूप की आदत पड़ गई है। 24 घंटे में एक बार हम लोग बिना शरीर का रूप फॉर्मलेसनेस में भी जाते हैं, लेकिन नींद में। अगर कभी जगते हुए हम लोग बिना शरीर का रूप फॉर्मलेस स्टेट में चले जाते हैं तो डर लगता है। हर एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, जो भी इंसान ध्यान सीखने की कोशिश कर रहा है, उसने इसको देखा होगा। कभी न कभी वो अपनी बॉडी में से अलग होकर के खुद को एक्सपीरियंस करता है। वो एक्सपीरियंस हमारी सटल बॉडी का एक्सपीरियंस है, सूक्ष्म शरीर का एक्सपीरियंस है। हमारे बॉडी में 5 तरह की नोइंग है। फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास टच है, हियरिंग है, साइट है, टेस्ट है और स्मेल है। अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम इस फिजिकल वर्ल्ड में और गहरे घुस सकते हैं, जैसा कि हम घुसते रहते हैं, और उससे दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट इन्हीं 5 नोइंगनेस को, इन्हीं 5 दरवाज़ों को अपने अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट तक पहुंचने के लिए भी इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे पहले कि हम लोगों को ध्यान हो सके, हमें एक बैकग्राउंड क्रिएट करना होता है। उसको स्पिरिचुअल भाषा में कहते हैं वर्दीनेस, कि आप इस लायक बने कि आपके माइंड को, आपके शरीर को ध्यान हो सके। बहुत से लोग मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन पर्पज़ ये होना चाहिए कि आपका मन फोकस कर सके। आप बैठे हैं, खाली बैठे हैं, आंख बंद करके या थोड़ी सी आंख खोल करके मंत्र का जप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो अपने सांस पर ध्यान दे सकते हैं। और आप अपने शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको एक्सपीरियंस करते जाइए। इसी सटल बॉडी में से आप प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुँचेंगे। ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा जाता है, जब भी ध्यान कर सको तो उसको होल्ड ऑन करने की कोशिश करो। इसको तकरीबन ऐसा ही समझिए जैसे आप साइकिल चलाते समय पहली बार आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, या स्विम करते समय आप अपने आप को तैराने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आपने आँख बंद किया तो अपने बॉडी को महसूस करिए। थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स से वापस आइए और इस बॉडी को महसूस करिए, और बॉडी के अंदर से ही अचानक से आपको अपनी सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी एक्सपीरियंस होगी। और उसको होल्ड ऑन करने की कोशिश करिए, उसके साथ कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए रहने की कोशिश करिए। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आप किसी और की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही ट्रू सेल्फ की आराधना कर रहे हैं, उसी की तारीफ कर रहे हैं। ये कहीं बाहर नहीं है, ये आपके शरीर में ही है। जैसे चीनी में मिठास होती है, नमक में नमकीन स्वाद होता है, समंदर में नमक होता है, ऐसे ही हमारे ही शरीर के अंदर में वो डिवाइन फ्रैगमेंट है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। एक और कन्फ्यूजन मैं चाहता हूँ आप दूर करें इसी समय। हमारे अंदर में श्रद्धा है। हम सब जब कभी किसी भगवान की मूर्ति को देखते हैं मंदिर में, कहीं भजन सुनते हैं, तो हमारे अंदर में एक भाव क्रिएट होता है, उसको हम डिवोशन कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। लेकिन ये श्रद्धा केवल एक पत्थर की मूर्ति के लिए ही आती है हमारे मन में। हमारा माइंड ये जानता है कि ये मूर्ति है और ये बहुत कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए वो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती। और जब माइंड कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता तो उसके साथ कुछ होता भी नहीं है। इसे ध्यान रखिएगा, जिस किसी को भी आपने अपना गुरु माना है, अगर वो ज़िंदा है, उसकी बातें आप सुन पा रहे हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं, वो उस मंदिर में रखी हुई मूर्ति से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं नहीं उसको इम्पॉर्टेंस चाहिए नहीं, आपके मन में उस इंसान के प्रति श्रद्धा से आएगा उसकी विधि के ऊपर श्रद्धा। क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ की वैल्यू नहीं समझते तब तक उसको हम ट्राई भी नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था,
उसने तीन जगह से अल्ट्रासाउंड करा रखा था और तीन लोगों ने उसे बताया था तुम्हारे किडनी में स्टोन है। मैंने भी देखा, मैंने कहा यार तुम्हारे तो स्टोन है, तुमने इसका इलाज क्यों नहीं कराया? तो बोलता है कि डॉक्टर साहब ने कहा था ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था नहीं, ये स्टोन बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 15 mm का स्टोन था, 1.5 सेंटीमीटर का स्टोन था और धीरे धीरे उसके किडनी को ख़त्म कर रहा था। तो मैंने उससे कहा नहीं, ये इतना बड़ा स्टोन है कि तुम्हारा एक किडनी एकदम यूज़लेस हो जाएगा अगर तुम स्टोन को निकलवाते नहीं हो। तो एकदम डर गया, सिंपल बल्कि कहा भी यार डॉक्टर साहब मुझे डरा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें आज के आज ऑपरेशन कराना है, तुम महीने भर में कराओ, दो महीने में कराओ, बट तुम्हें इसे ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ेगा। ये बात उसे पहले के तीन डॉक्टर्स ने बताई थी, लेकिन बहुत कैजुअली बताई थी। मैंने जब उसे बताया तो मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया कि उसको सीरियसनेस समझ में आनी चाहिए, और उसको उसने भी मुझे बहुत सीरियसली लिया। तो जब भी हम किसी गुरु की बात सुनते हैं, हमारे अंदर में ना एक कैजुअलनेस होता है, हम सुन लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ओशो को सुना था तो मैंने पतंजलि योग सूत्र उन्हीं की किताब में पढ़ा था, लेकिन मुझे बिल्कुल लगा नहीं कि मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उस समय मेरा ही जो रवैया था वो बचकाना था। इसलिए धीरे धीरे आपके मन के अंदर में आपके गुरु के लिए सबसे ज़्यादा श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड जा चुका है, जो गुरु जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो खुद ईश्वर से मर्ज हो चुका है। अब आज की वीडियो का लास्ट पार्ट, जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने सूक्ष्म शरीर में जा पाएंगे और एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उसमें सबसे पावरफुल टूल है शब्द, वर्ड्स। वर्ड्स मेंटल इंस्ट्रूमेंट है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो अपने माइंड में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं भगवत्ता की। जब हम किसी तीर्थ स्थल की बात करते हैं, वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी या बद्रीनाथ या केदारनाथ, किसी भी जब दैविक स्थल की हम बात करते हैं, तो उस बात से हमारे मन के अंदर में वो स्पेस क्रिएट हो जाता है। हमारे शब्दों का नेचर भगवान का नेचर है। जैसे जैसे हम अपने शब्दों के साथ ध्यानपूर्वक काम करेंगे, चाहे मंत्रों का जप हो, चाहे किसी आदमी की बात, किसी आदमी से बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे शब्द प्योरीफाई होते जाते हैं, वैसे वैसे ये शब्द हमारे नहीं रह जाते, ईश्वर के शब्द हो जाते हैं। और एक इंटेलिजेंट आदमी, एक संवेदनशील आदमी ये देख पाएगा, जैसे जैसे उसके शब्द चेंज होते हैं वैसे वैसे उसके बिहेवियर भी बदल जाते हैं। इसलिए मैं अपने घर में बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर किसी बच्चे के मुँह से कोई अपशब्द निकल गया, कोई गाली का प्रयोग हो गया, या डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से किसी बच्चे ने बात की हम लोगों से या किसी भी और इंसान से, इवन अपने से छोटा अगर कोई उम्र में हो, उसको आप कायदे से बात नहीं कर रहे हैं, उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो आपके अंदर की जो दैवत्व है, जो डिवाइननेस है, वो हल्की हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और एक चीज़ तो कभी मत करिए, अपने शब्दों को किसी को भी हर्ट करने के लिए यूज़ मत करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके शब्द प्योरीफाई होंगे, ऐसे ऐसे नॉलेज, ज्ञान डिवाइन फ्रैगमेंट में से आपके मन में बह पाएगा, फ्लो कर पाएगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप चैंटिंग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जिस किसी इंसान से भी बात करते हैं, अपने शब्दों को बहुत बहुत ही केयरफुली बोलिए। उनको उसको बोलने से पहले देखिए कि क्या ये शब्द सामने वाले को अच्छा लगेगा, क्या ये शब्द बहुत ज़रूरी है, इन शब्दों के अलावा क्या इससे भी बेहतर शब्दों का प्रयोग हो सकता है। इसलिए तो कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। नहीं, किसी को मस्का मारने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपके माइंड में थॉट्स की प्योरिफिकेशन की बात हो रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके मन में पवित्र शब्द ऐसे फ्लो करेंगे जैसे गंगा फ्लो करती है, और जैसे गंगा सभी लोगों के पाप धुल देती है, ठीक वैसे ही हमारे मन में जो पवित्र शब्द चलते हैं, वो हमारे अंदर के सभी कन्फ्यूजन को और सभी तमस को, अंधेरे को ख़त्म कर देते हैं। तो दो चीज़ें मैंने बताई, एक तो अपने शरीर के साथ रह करके आँख बंद करके या आँख खोल करके अपने
सांस पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को महसूस करिए, रोज 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए। लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, आपके मन में शब्दों का शोर शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ महीने के लिए अपने शब्दों को ऐसे बोलना होगा जैसे आपके सामने जो भी इंसान है वो भगवान खुद है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि जब आप अपने गुरु के सामने खड़े होंगे और उनके सामने अपना मुंह खोलेंगे, तो आपको किसी को भी हर्ट करने की एबिलिटी ख़त्म हो जानी चाहिए। जब आपके गुरु के सामने कुछ आप सुनने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी शब्द गुरु के आपको ख़राब नहीं लगने चाहिए। जब तक आपका पूरा माइंड प्योरीफाई नहीं हो जाता, तब तक आप डिवाइन ग्रेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपवित्र हैं, आप एक खदान में से निकला हुआ सोना है। जैसे जैसे आप अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, वैसे वैसे आप डिवाइन फ्रैगमेंट के पास पहुंच पाएंगे। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, अपने शब्दों से किसी को हर्ट नहीं करना। जब भी किसी की बात सुनना है या किसी को अपनी बात कहनी है, बहुत ध्यान से कहना है, जितना हो सके पवित्र रिस्पेक्ट के साथ में, करुणा के साथ में बात करनी है, और यही चीज़ आपके लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस का दरवाज़ा बनेगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर के जनोगी बनना चाहते हैं, इस यात्रा में साथ में चलना चाहते हैं, तो जनों का पर्सनल कोर्स है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली हर संडे को लाइव सेशन में मिलूंगा। और इसके अलावा अगर आप खाली ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो जनों का बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स हमारे साथ DKBrains.com पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।